हाय गाइज, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल लीडू नेस्ट में वेलकम है। गाइज देखिए, जो शिक्षक बहाली की नई प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसका जो अपडेट है, बीपीएससी से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को शिक्षा विभाग की तैयारी शुरू हो गई है और इसमें जो दिया हुआ है, राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी शिक्षा विभाग के स्तर पर प्रारंभ हो गई है। इसके रिक्तियों के आकलन का कार्य शुरू कर दिया गया, जितना किस जिला में कितना रिक्ति है और किस क्लास में कितना रिक्ति है इसका भी आकलन शुरू हो गया। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से अपने 2 दिनों के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर ही शिक्षा विभाग को सारा डिटेल चाहिए, कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है। 2 दिनों के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा बुधवार को राज्य के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की सभी गणना कर हर हाल में 14 सितंबर को शाम 6 बजे तक ईमेल, आज 14 तारीख है, आज के शाम 6 बजे तक सभी को भेजना है, या तो ईमेल से या व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराएं। निर्देश के मुताबिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जिला में उपलब्ध कुल पदों के तहत विषय बार 2006 से अद्यतन अब तक उपलब्ध कराए गए पदों की संख्या है। बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचित पदों को छोड़कर जितना बिहार लोक सेवा को आवंटित किया गया उसके बाद जो बचा पद है उसमें रिक्ति मांगी गई है। दरअसल शिक्षा विभाग ने समीक्षा में पाया कि पश्चिम चंपारण, कटिहार, दरभंगा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी आदि जिलों में अधिक रिक्ति की अधियाचना दी गई है, मतलब इन सब जिलों में ज़्यादा वैकेंट सीट है तो वो दिया गया है। कुछ जिलों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक 50% प्रोन्नति देने के लिए पदों को भी नहीं छोड़ा गया, मतलब जो प्रमोशन होता है टीचर लोग का उसका भी, उसके लिए कुछ सीट बचा के रखा जाता है, लेकिन वो सब सीट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, जिसे उक्त जिलों सहित सभी जिलों को भेजे गए रिक्त रिपोर्ट की समीक्षा की आवश्यकता है। रिक्तियां फॉर्मेट में मांगी गई जिसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को उच्च माध्यमिक हेतु अलग अलग फॉर्मेट भी जारी किए गए हैं, आप ये इसमें दिया गया है। और अभी जो चल रहा है, मतलब बिहार लोक सेवा जो अब एग्ज़ाम लेगी दूसरे चरण में, उसमें होगा 6 से 8, 9, 10 एवं 11वीं 12वीं कक्षा के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें कि सिर्फ 52,000 सीट जो है 6 से 8 कक्षा के शिक्षकों के होंगे। वैकेंसी अगले महीने आने वाली है और अब कुल मिला के है कि 2 दिन में, मतलब आज शाम तक सभी जिला से रिक्ति पहुंच जाना चाहिए शिक्षा विभाग में। और गाइज एक बात और, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है उसका आज अंतिम दिन है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाया है वो लोग जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अवश्य करवाएँ। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।